जेके आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो परमानेंट जॉइंट्स में आती है और किन्हीं भी दो मेटल वस्तु को या दूसरी वस्तु को जोड़ने के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिन्हें कहा जाता है रिबिट्स। रिबिट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। टीन मेंस रिबिट टाइप्स, साइज, सिलेक्शन ऑफ वेरियस वर्क्स, रिबिट टूल्स, डोली स्नैप डिस्क्रिप्शंस एंड यूज, मेथड ऑफ रिबिटिंग, शेयरिंग मशीन डिस्क्रिप्शन, पार्ट यूज आदि। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिबिट्स होती क्या है। यह एक मजबूत शीर्ष युक्त कील जैसी वस्तु होती है जिसका प्रयोग दो धात्विक चादरों आदि को अर्ध स्थायी रूप में जोड़ने के लिए किया जाता है। जोड़ के एक ओर रिबिट का शीर्ष तथा दूसरी ओर रिबिट के टेल्स को हथौड़े से पीट पीट कर बनाया गया शीर्ष दो भागों में बंद रखा जाता है। एवं एल्युमिनियम चादर, पीतल अथवा मृदु इस्पात से बनाई जाती हैं। इसके शीर्ष, बॉडी तथा पूंछ नामक भाग भी होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हेड, बॉडी और सेंक एंड टेल कहा जाता है। रिबिट निम्न प्रकार की होती हैं। राउंड हेड, पेन हेड, पेन हेड विथ टेपर्ड नेक, फ्लैट हेड, फ्लैट काउंटर सेंक हेड, कॉनिकल हेड और ट्यूबलर। आइए जान लेते हैं इन रिबिटों के बारे में। चादर तथा प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए रिबिट का उपयोग किया जाता है। इसके एक सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर टेल बना होता है। यह स्टील, रॉट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम आदि की बनी होती हैं। यह निम्नलिखित प्रकार की होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्नैप हेड रिबिट, पेन हेड रिबिट और मशरूम हेड रिबिट। काउंटर हेड रिबिट्स, फ्लैट सेंटर्ड सेंक रिबिट, फ्लैट हेड रिबिट। दो पुर्जे या धात्विक चादरों आदि को रिबिट द्वारा जोड़ने की विधि को रिबिटिंग कहते हैं। रिबिटिंग ऑफ शीट मेटल, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, नंबर एक पे है। वर्क इज सेट विथ प्री मेड होल्स, पहले से किए गए होल में वर्क को सेट किया जाता है और एनर्जी फ्रॉम डाई कंप्रेस फॉर्म ऑफ रिबिट्स। रिबिटिंग के लिए जो प्रचलित प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर एक पे आता है सिंगल रिबिटेड लैप जॉइंट। एक धात्विक चद्दर पर चढ़ाकर दूसरी धातु को जोड़ा जाता है। इस प्रकार के जोड़ में रिबिट एक सीधी रेखा में जुड़ी रहती हैं। दो रिबिटों के बीच की दूरी की माप 3D रखी जाती है, जहाँ पर डी रिबिट का व्यास है। नंबर दो पे आता है आपका डबल रिबिटेड लैप जॉइंट। यह भी लेप जोड़ होते हैं, परंतु रिबिट्स दो समांतर पंक्तियों में जोड़ी जाती है। दो रिबिटों के बीच की दूरी पिच का मान 3D तथा दो पंक्तियों के बीच की दूरी भी 3D रखी जाती है, जबकि डी रिबिट का व्यास है। नंबर तीन पे आती है डबल रिबिटेड जिग जेग जॉइंट। यह भी लेप जोड़ है, परंतु इसमें रिबिट्स तीन समांतर पंक्तियों में जोड़ी जाती है। दो सिरे वाली पंक्तियों की रिबिट एक दूसरे के सामने और बीच वाली पंक्ति की रिबिट क्षणिक दूरी पर जोड़ी जाती है, जिसका मान 2P+D/3 रखा जाता है, जहां पर डी बराबर रिबिट का व्यास तथा पी पिच दो रिबिटों के मध्य के बीच की दूरी। रिबिटिंग के लिए किन किन औजारों की आवश्यकता पड़ती है? रिबिटों को चादरों तथा प्लेटों को लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार प्रयोग किए जाते हैं। इनमें प्रमुख औजार निम्न प्रकार के हैं। रिबिट सेट। रिबिट सेट एक खोखला पंच होता है जिसमें छिद्र व रिबिट का स्टेम चला जाता है। इसका उपयोग दो चादरों को एक दूसरे के बहुत निकट लाने के लिए किया जाता है। नंबर दो पे आती है डोली। डोली का प्रयोग रिबिट के हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसके फेस पर रिबिट हेड की सेंक व गड्ढा पहले से बना होता है। इसका उपयोग करने से रिबिट के हेड का शेप खराब नहीं होता है। नंबर तीन पे आती है रिबिट स्नैप।
रिबिट स्नेप का प्रयोग रिबिटेन के पश्चात उसको सही स्वरूप प्रदान करने के लिए होता है। इसका उपयोग रिबिट के दोनों ओर समान आकार व आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला आता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट एक सिलेंड्रिकल पंच है जो विभिन्न व्यासों में उपलब्ध होता है। दोनों चादरों के छिद्रों को संगत करने के लिए छिद्रों के साइज का ड्रिफ्ट उस में से पास किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैल्किंग औजार। प्लेटों के किनारों और रिबिटों के हेड के किनारों को फ्लैट सतह से मिलाने के लिए कैल्किंग औजारों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फोल्डरिंग औजार या फोल्डरिंग टूल। दोनों प्लेटों के किनारों को आपस में मिलाकर लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए फोल्डरिंग औजारों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब हम आते हैं रिबिटों के आकार व वर्गीकरण, साइज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिबिट्स। रिबिट्स का आकार उनके सेंग के व्यास, सेंग की लंबाई व सिर के प्रकार में वर्गीकृत किए जाते हैं। रिबिट की लंबाई उसके सिरे के नीचे से मापी जाती है, परंतु काउंटर संग रिबिट की लंबाई में सिरे भी सम्मिलित होते हैं। बनावट के आधार पर रिबिट की लंबाई के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। ठोस रिबिट, सॉलिड रिबिट। इसका सेंग ठोस होता है। इसका उपयोग का सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। यह सर्वाधिक सामर्थ्यवान होती है। नेक्स्ट आती है खोखली रिबिट। खोखली रिबिट का उपयोग जूतों के तलवों के लिए, छेद करने के लिए तथा फाइल कवर आदि में किया जाता है। नेक्स्ट अगली आती है आपकी बफर कोटेड रिबिट। इस रिबिट का एक सिरा दो भागों में विभक्त होता है। इसका प्रयोग के दौरान अलग अलग कर इसको दृढ़ बनाया जाता है। इसका उपयोग हल्के कार्यों जैसे हैंडबैग, अटैची आदि में किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं रिबिट के लाभ व हानियों के बारे में, एडवांटेज ऑफ रिबिटिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिबिटिंग। रिबिटिंग के निम्नलिखित लाभ हैं। रिबिटिंग एक मित व्ययी प्रक्रिया है। रिबिटिंग जोड़ बनाने के लिए सरल व उपयोगी विधि है, लेकिन कुछ मानकों पर इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। यह एक प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले रिबिट मजबूत, हल्के व टिकाऊ होते हैं। रिबिटिंग जोड़ लंब अवधि तक चल सकने वाले स्थायी प्रकृति के जोड़ होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसकी हानियों के बारे में। तो रिबिटिंग से क्या क्या हानियां हैं। रिबिटिंग एक स्थायी प्रकृति का जोड़ होने के कारण जोड़ को खोल पाना में अक्षम होता है या संभव नहीं होता है। रिबिटों को पुनः उपयोग करना संभव नहीं होता है। इसका उपयोग पुनः ड्रिल करके ही बदला जा सकता है। रिबिट अपने आप में वायुरोधी नहीं होता है। यह तब ही संभव है जब इसके चारों सिरों पर रिबिट लगा दिया गया हो। तो ये था रिबिटिंग के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन। आशा है कि यह आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।